आज आप सभी के लिए एक हेल्दी सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो हम फ्रूट्स और पीनट बटर के साथ में कॉम्बिनेशन करके बनाएंगे। हेल्दी ऑप्शन है और आराम से इसका इसमें पेट भी भर जाता है। यदि आप हल्का खाना चाहते हैं और पेट भी भर जाए आपका और बहुत ज़्यादा हैवी भी खाना ना हो, तो आप इस तरह की सैंडविच खा सकते हैं। में आपका स्वागत है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, फ्रूट्स एंड पीनट बटर सैंडविच। सबसे पहले थोड़ी सी ब्रेड को ग्रिल कर लूंगी, तो मेरे पास ये सैंडविच मेकर है, इसमें ग्रिल कर लें। आप चाहे तो पैन में भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा गर्म प्री हीट कर लेते हैं एक बार पहले। तब तक हम एप्पल काट लेते हैं और बनाना काट लेते हैं, दो चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हम। एप्पल की बहुत पतली पतली स्लाइस करेंगे हम, इसके ये रिमूव कर दें बीच का हिस्सा, जो पार्ट होता है ये। मैं इसके छिलके नहीं हटा रही, आप चाहें तो छिलके हटा सकते हैं। कोशिश करें कि बहुत थिन से करें, जिसको सैंडविच में असेंबल करने में हमें आसानी हो। चाहे तो आप जिससे हम चिप्स बनाते हैं वो स्लाइसर से भी कर सकते हैं आप, कुछ इस तरह से ये पतले पतले फ्रूट्स उसी समय काटें, नहीं तो ये काले हो जाएंगे। जब आप असेंबल कर रहे हो सैंडविच तभी काटें आप। साथ में हम बनाना लेंगे, इसके बहुत पतले पतले से जितने भी फ्रूट्स ले लें, जितने भी आपके ब्रेड में असेंबल करें होते हैं उतने ले लें। कई बार ब्रेड छोटी भी होती है, कभी बहुत हैवी खाना खाने का मन नहीं है तो आप इसको खा सकते हैं आराम से। टिफिन में भी रख सकते हैं बच्चों के। ये हमारा सैंडविच मेकर भी गर्म हो चुका है। यहाँ पर मैं ब्राउन ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो, आपको हेल्थ कॉन्शियस है तो ब्राउन ब्रेड कर लेनी, तो वाइट भी कर सकते हैं, जिसके मैंने कॉर्नर रिमूव कर दिए हैं। इसको थोड़ा सा ग्रिल कर लेते हैं। दूसरी भी रख दें, दो दो रख दें इसमें, जैसे हम सैंडविच बनाते हैं उस तरह से। बस हल्के से मार्क्स आ जाए तो अच्छा लगता है सर्व करने में। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, एकदम प्रेस नहीं करना है, थोड़ा सा बस ग्रिल हो जाए हल्की सी। तो वेट करते हैं ग्रिल होने का, ब्रेड के चेक कर लेते हैं। बस इतनी ही चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा। ये ग्रिल हो चुकी है, दिख रही होंगे आपको मार्क्स दिख रहे होंगे इस तरह से। अब इसको हम निकाल लेते हैं, और जब हम ब्रेड को ग्रिल कर लें उसके ठंडे में लगाएंगे हम चीज़ें। ये पीनट बटर ले रही हूँ मैं यहाँ पर, आपके पास जो भी हो वो आप ले सकते हैं। ये मेरा स्मूथ वाला है, हनी रोस्ट वाला, तो इसमें जो क्रंच आता है मूंगफली वाला वो भी ले सकते हैं आप। पहले ब्रेड में थोड़े से मैं बटर लगाऊंगी, आप बटर नहीं लगाना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मुझको पसंद है बटर का टेस्ट, इसलिए इसमें मैं ब्रेड में लगा रही हूँ। एक ही तरफ लगाएंगे, आप स्किप कर सकते हैं बटर को। और दूसरे वाले में हम दूसरी ब्रेड की तरफ में पीनट बटर लगाएंगे, जितना भी चाहे आप लगा सकते हैं। अभी ये फ्रिज में से निकाला है इसलिए थोड़ा हार्ड सा हो रहा है, फैल जाएगा थोड़ी सी देर में। ये इसको चारों तरफ फैला दें अच्छी तरह से, जिसमें हर बाइट में अपने पीनट बटर का टेस्ट आए। दूसरे में भी ऐसे ही लगा लेते हैं। साथ में हम फ्रूट्स अरेंज करेंगे इसमें। पहले एप्पल लगा देते हैं, बनाना। फिर एप्पल के स्लाइस जो हमने काटे थे पतले पतले, जितने लग सकते हैं, जितने पतले काटेंगे उतने ज़्यादा लगेंगे, तो पतले काटने का प्रयास करें। दूसरे में भी इसी तरह से कर लेंगे। ये हनी रोस्ट वाला ही पीनट बटर है, इसलिए मैं इसमें हनी नहीं डाल रही हूँ। शहद आपके पास नहीं हो ये वाला पीनट बटर, तो आप उसमें हनी डाल सकते हो इसमें सैंडविच में फ्रूट्स के ऊपर। ये दालचीनी पाउडर,
बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है बनाना और एप्पल के साथ में दालचीनी पाउडर का, साथ में ही थोड़े से हम क्रश करी मूंगफली के दाने, इसमें थोड़े से चिपक भी जाएंगे इसमें पीनट बटर के साथ में, इसका एक क्रंच आएगा फ्रूट्स के साथ, मूंगफली भुनी हुई और थोड़ी सी दरदरी करी हुई है, पीनट बटर में भी आती है जो क्रंच वाली होती है, होता है पीनट बटर, इसको प्रेस कर दें और इसको इस तरह से कवर कर देते हैं। आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, आगे जो वीडियोस लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें, अच्छे से थोड़ा सा दबा दें बहुत धीरे से। अब इसको हम कट करेंगे, ऐसे शार्प नाइफ से करना कट, नहीं तो शेप बिगड़ेगा फिर। यहाँ मैंने कट कर लिए हैं, आप देखेंगे बहुत खूबसूरत सी लगती हैं ये। सर्व करते हैं, मैंने यहाँ पर इसकी कुछ इस तरह से प्लेटिंग करी है, आपको जो कन्वीनियंट हो आप उस हिसाब से प्लेटिंग कर सकते हैं। हमारी ये सैंडविच तैयार है, हेल्दी सैंडविच। थैंक यू।